तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हिंदी का भविष्य काफी उज्जवल है और कोई ऐसा हिंदी पे संकट नहीं आ रहा, क्योंकि जो पहले के साहित्यकार थे वो क्या करते थे, वो लोगों के बीच में जाते थे, उनके मुद्दों को उठाते थे, उसके बाद में जो है वो लिखते थे, वो दिल से लिखते थे। उनका लड़का आया और एक कनस्तर बजाने लगा कि अरे कनस्तर क्यों बजा रहे हैं, तो उनके अरे पिताजी आप कविताएं सुनाइए, मैं इनको जगा के रखता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं गुरुजी उत्तराखंडी चैनल और मैं हास्य कवि गौरव त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ आपका अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम लेकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने जा रहे हैं गौरव त्रिपाठी जी से, जो कि पेशे से पत्रकार हैं लेकिन दिल से एक कवि हैं। तो आज हिंदी साहित्य दिवस के अवसर पर हम सर से बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे हिंदी साहित्य के बारे में, तो इन जर्नल ये आजकल माना जाता है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी का हम कंपैरिजन करें तो हिंदी बोलने वाले को थोड़ा सा जो है हीन भावना से देखा जाता है, और जो थोड़ा सा इंग्लिश बड़े फ्लुएंसी से बोल ले उसको माना जाता है कि हाँ वो बड़ा आदमी होगा। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हिंदी खतरे में है और हिंदी का भविष्य आगे उतना उज्जवल नहीं है, तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हिंदी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है और कोई ऐसा हिंदी पे संकट नहीं आ रहा है। और मैं लगातार देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे देशों में अब हिंदी को अपनाया जा रहा है और हमारे भी देश में काफ़ी सारे राज्य हैं जिसमें हिंदी को बोला जा रहा है, तो हिंदी को लेकर हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश की हम बात करते हैं तो इंग्लिश हाँ एक ग्लोबलाइजेशन का आजकल दौर है और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लिश है अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है या कुछ और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ना है, शेयर मार्केट है, ये तमाम चीज़ें, तो वो इंग्लिश एक हमारे लिए मजबूरी है, तो उसको हमें अपनाना पड़ता है और वो ज़रूरी भी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश का वर्चस्व ज़्यादा है तो हिंदी हमारी कमज़ोर है। अच्छा, तो वो इंग्लिश अपनी जगह पर है और हिंदी अपनी जगह पर है, तो मेरा मानना है कि इंग्लिश के कारण हिंदी कहीं कमज़ोर पड़ रही ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे जैसे हिंदी साहित्य के बारे में जो है थोड़ा सा आज इस अवसर पे हम जानना चाहेंगे, तो हिंदी साहित्य अगर हम बात करें जैसे बुक्स के बारे में बात करें, आपने भी जो है ये बुक्स जो हैं या आपने लिखी हैं इस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, और यहाँ पे हम जानना चाहेंगे जो हिंदी साहित्य लोग कह रहे हैं ना कि उसका स्तर जो है सोशल मीडिया आने से थोड़ा सा गिर रहा है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? साहित्य, हिंदी साहित्य की जब मैं बात करता हूँ तो जैसा कि पहले के हमारे जो साहित्यकार थे, मैं जो आजकल के नए नए युवा जो किताबें लिख रहे हैं और जो साहित्य में आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि जो पहले के साहित्यकार थे वो क्या करते थे, वो लोगों के बीच में जाते थे, उनके मुद्दों को उठाते थे, उसके बाद में जो है वो लिखते थे, वो दिल से लिखते थे। लेकिन सोशल मीडिया के आने की जो है एक जो हम नुकसान हो रहा है, हिंदी साहित्य को भी नुकसान हो रहा है और क्या कहते हैं सृजन क्षमता का भी सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे हमने जब लिखना स्टार्ट किया था तो हम लोग कागज़ पे लिखते थे, कई बार उसको फाड़ते थे, फिर उसके बाद में अखबार में छपने के लिए देते थे या जो मैगजीन रहती थी उनको छपने के लिए देते थे, फिर वहाँ से उसकी कटाई छटाई होती थी, फिर उसके बाद में वो जाके कहीं छपता था। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो है सोशल मीडिया के आने के बाद व्यक्ति के दिमाग में जो कुछ भी आ जाए, हल्का फुल्का जो भी है, उसने बस सोचा और लिख दिया। उसके बाद में अगर मान लीजिए आपके व्यूअर ज़्यादा हैं, आपके सब्सक्राइब ज़्यादा हैं, तो आपको अगर मान लीजिए 1,00,000 व्यूज़ मिल गए, भले ही आपका कंटेंट जैसा भी है और मैंने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन मेरा उतना सोशल नेटवर्किंग में मैं उतना फ्री नहीं हूँ या उतना फ्रेंडली नहीं हूँ, तो मुझे जो है अगर 100-200 लाइक मिले तो फिर ये उसका पैमाना हो गया है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, और लोग जो है सृजन कम कर रहे हैं और अपना क्या कहते हैं प्रदर्शन ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत एक समस्या आ रही है, इससे जो है हिंदी साहित्य काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। अच्छा, और मेरा यही मानना है कि आप जो भी लिखें लिखने के लिए जल्दबाजी ना करें। मैं इतने सारे बच्चों के बीच में जाता हूँ, उनको सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने आप तक, जब तक आप पूरे तरीके से संतुष्ट ना हो जाएं कि मैंने ये जो लिखा है ये वाकई में अच्छा है, तब तक आप उसको पब्लिश ना करें।
ठीक है। तो जैसा मैं यहाँ पे समझा कि अगर आप कह रहे हैं कि जो साहित्य की क्वालिटी है वो व्यूज और लाइक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अगर हम बात करें जो जो पुराने जो आप जैसे जो पत्रकार हैं या जो आपके जैसे कवि हैं वो थोड़ा सा मार्केटिंग में पीछे रह जा रहे हैं, और जो नए आपका भी जनरेशन आ रही है वो मार्केटिंग में बहुत तेज, उसे पैकेजिंग करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, अंदर भले ही माल कैसा भी हो। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि मार्केट में हिंदी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, लेकिन मैं फिर भी मैं जो है जो हमारे कवि हैं कुमार विश्वास जी, उनका मैं बहुत ज़्यादा आदर करता हूं, और मैं समझता हूं कि हिंदी को मार्केट में दोबारा स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके कारण ही अब दोबारा से लोग कवि सम्मेलन पसंद करने लगे हैं, और अब फिर से जो है उसकी मार्केट बढ़ रही है। तो मेरा साहित्यकारों से भी अनुरोध है कि वो थोड़ा सा मार्केट में क्या चल रहा है उसको देखते हुए भी उसको भी सीखें, अपने आप को साहित्यकारों को अपडेट करना बहुत ज़्यादा इस वक्त जरूरी है जी, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल हाँ, ये तो हम देखते हैं, जैसे आप अभी स्कूलों में जो है छोटे जो आपके स्कूल 12th तक हम बात करें, आप उन बच्चों से भी जो है बुक्स आप लिखवा रहे हैं, और उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है वो काम करने के पीछे? उसके पीछे मेरा सीधा उद्देश्य है कि जैसे आपने एक साहित्यकार का अगर जीवन देखा होगा, तो साहित्यकार मतलब जो आजकल की जनरेशन चल रही है वो क्या करते हैं, या तो उनका कॉलेज में दिल टूटता है जी, तब वो जो है लिखते हैं, या जो है क्या कहते हैं उनका दिल जुड़ता है, नया नया प्रेमी बनते हैं तो वो लिखते हैं, उसके बाद में जब वो काम धंधे में पहुंच जाते हैं तो वो सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो वो क्या होता है कि उन दो टॉपिक्स पर ही बहुत ज़्यादा लिखा गया, अगर आप देखेंगे उसमें देखेंगे तो वो उन्हीं के ऊपर ही लिखा गया, जबकि मेरा मानना ये था कि एक साहित्यकार की जो जिम्मेदारी है उस समाज में कोई अगर वो कुरीति देख रहा है तो उस पर आपको कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है और लोगों को जागरूक करना है, अपनी कविता के माध्यम से उनको जागरूक करना है। तो मैंने बच्चों के बीच में यही एक बात अपनी रखी, और मैं बच्चों को लगातार ये प्रयास करता हूँ कि बच्चे उन टॉपिक्स पर ज़्यादा लिखें, बहुत ज़्यादा दार्शनिक या बहुत ज़्यादा हास्य में या फुहड़ता में वो इधर उधर भटक सकते हैं, तो उनको एक सही दिशा मिले, और उनके अगर समझ में आ गया कि हाँ साहित्य का मतलब ये ही है और हमें साहित्य की जिम्मेदारी भी समझनी है, तब फिर वो अपना सही लिखते रहेंगे। अच्छा, और वो 12th के बाद में जब भी कॉलेज जाए तब भी लिख सकते हैं, आंदोलन चलते हैं उनके बारे में भी लिखते हैं, देश के बारे में लिखते हैं, तो एक उनको सही दिशा मिलती है और वो आगे लिखते हैं। और कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा लिख रहे हैं, मैंने देखा है कि लगभग 5-6 सालों से हम स्कूलों में जा रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। बच्चे महंगाई पर लिख रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल्स पर लिख रहे हैं, टीचर्स पर लिख रहे हैं, और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। अच्छा, उसे हमें भी सीखने को मिला कि हाँ ये बच्चे इस दिशा में भी जा रहे हैं, बहुत सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया यहाँ पे आपने बताया। अब जैसे हम कवि सम्मेलनों की बात करें, या हमने जब हम पढ़ते थे उसमें कहा जाता था जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो आप बहुत सारे जो हैं अपने जो साहित्यिक संस्था है उसके माध्यम से आप जो कवि सम्मेलन कराते रहते हैं, तो उसके पीछे आपके जो अंदर का जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है आज हिंदी साहित्य दिवस पर? बिल्कुल, असल में जैसे कि बात अभी तक चलती हुई आ रही है, जब हम लोगों ने करीबन 8 साल पहले ये संस्था स्टार्ट की थी तो हमारे सामने दो सवाल थे या दो चुनौतियां कह सकते हैं, दो चुनौतियां थी हमारे सामने। एक तो ये था कि हमें कवियों को जोड़ना था, दूसरा ये था कि हमें लोगों को भी जोड़ना था। तो ये हमने शुरुआत से ही करते हुए चले, काफ़ी सारी संस्थाएं हमारे सामने बनी और काफ़ी सारी ख़त्म भी हो गई। उनका रीज़न भी यही रहा कि उन्होंने जो है समाज को अपने से जोड़ा नहीं, और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि जो है समाज भी हमसे जुड़े। हमारा लिखना तभी सार्थक होगा जब हमें कोई सुनने वाला होगा, और हम भी तभी अच्छा लिख पाएंगे जब हमें पता चलेगा कि समाज क्या सुनना चाहता है ना। हम खाली बोर करना हमारा नहीं कि पकड़ के बैठा दिया। एक यहाँ पे एक छोटा सा मुझे किस्सा याद आता है, थोड़ा मनोरंजन। बिल्कुल, एक कवि थे तो वो क्या करते थे, लोगों को अपने घर पे बुलाते थे और उनसे कहते थे कि आपको खाने पे आना है हमारे यहाँ, आप खाना खाइए, है ना। तो वो खाना खाते खाते अपनी 3-4 कविताएं अपने सुना देते, ये जब मैं निराला के टाइम में था तब मैंने ये लिखा था। अच्छा। ये तो इस तरीके से पकड़ पकड़ के लाते थे। एक बार वो सुनाते रहे व्यक्ति का भी खाना खत्म हो गया,
तो फिर उनका लड़का आया और एक कनस्तर बजाने लगा। तो मैंने कहा कि अरे ये तुम कनस्तर क्यों बजा रहे हो? तो उन्होंने कहा अरे पिताजी आप कविताएं सुनाइए, मैं इनको जगा के रखता हूँ। अच्छा। तो ये कवियों की स्थिति हो गई थी ये, हालांकि मजाक में बात थी, लेकिन वाकई में कवि समाज से दूर होता गया, वो अपनी ही दुनिया में खोता गया। तो मेरा ये मानना था कि कवि जो भी मंच पर आ रहे हैं वो जनता के बीच में जब अपनी कविता सुनाएंगे, पहली बात तो जनता होनी चाहिए, तब जब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ ये कविता मैंने लिखी थी तो इस पर जनता का रिस्पॉन्स अच्छा आया। वरना हो क्या रहा था कि गोष्ठियाँ ज़्यादा होने लगी थी कवि सम्मेलनों में, मतलब कवि सम्मेलनों के नाम पे गोष्ठियाँ जा रही थी, तो उसमें ये हो रहा था कि मैं आपको सुना रहा हूँ आप मेरे को सुना। अच्छा। तो वो आपस में ही एडजस्ट हो जा रहे थे। तो मैंने ये प्रयास किया कि समाज के लोगों को मैंने धीरे धीरे जोड़ना स्टार्ट किया। तो आज मैं देखता हूँ कि जो भी हम लोगों के कवि सम्मेलन हो रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग आ रहे हैं और वो कविताएं सुनने के लिए ही सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, सुनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सुनने के लिए आ रहे हैं। और वाकई में जो कवि भी हमसे लगातार जुड़े रहे, अभी भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी कविताओं में निखार आया। अच्छा, चलिए। मतलब एक मंच पर बोलना भी एक आपने आप कला है, स्पीकिंग कम्युनिकेशन तो उनका जो है, जो भी नए लड़के आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैंने निखार देखा है। पहले थे अपना डायरी पढ़ते थे और सीधे जो है अपना बैठ जाते थे, तो अब मैंने देखा है कि उनमें बोलने की भी क्षमता बड़ी है और जो आगामी पीढ़ी है वो एक अच्छी पौध तैयार होके हमारे सामने आ रही है और कई अच्छे कवि हल्द्वानी से निकले भी हैं और अच्छा कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। जैसे अगर हम बात करें, हमने बचपन में अगर हम देखें तो हमने प्रेमचंद हो गया या भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना है, और अभी आपने जो है कवियों में कुमार विश्वास जी का नाम लिया, तो और कुछ आप जो है कवियों के बारे में बताना चाहेंगे जिनसे आप थोड़ा सा प्रभावित हुए हैं और इस फील्ड में फिर आप आए हैं? कवियों में तो सभी मेरे अग्रज रहे और मैंने काफ़ी सारे कवियों को पढ़ा है। और पहले तो हम देखते थे कि राजाओं, राजा महाराजाओं की कहानियाँ आती थी और उन्हीं पे हम ज़्यादा सोचते थे कि यही कहानी है और यही इतिहास है, यही साहित्य हैं। लेकिन आपने जैसे प्रेमचंद जी की बात की, तो प्रेमचंद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उन राजा महाराजाओं की कहानियों को हटाते हुए एक आम जीवन और एक आम आदमी की बात उन्होंने कही, और यही कारण है कि आज भी उनकी चीज़ें प्रासंगिक हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ आम जीवन चल रहा है, राजा महाराजाओं की कहानियाँ खत्म हो चुकी हैं। तो और मुझे बड़ा अच्छा उनका उपन्यास है गोदान बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने जो उसका हीरो है हुरी, जिस पर इन्होंने पूरा अपना उपन्यास लिखा है, तो वो चीज़ें हम तब जो देख रहे थे उसके साथ जो भी घटित हुआ, उन्होंने हुरी को कोई भी हीरो नहीं बनाया, मतलब एक आम व्यक्ति, उसके अंदर लालच भी है, उसके अंदर ये भी है कि जो है हम जैसा ही लगता है वो, कम पैसे में मेरा काम चल जाए, है ना, तो वो उसकी तीन बेटियों की शादी करना है तो एक बेटी उसकी अपने किस्मत अच्छी थी तो उसमें चली जाती है, दूसरी बेटी को वो एक बुढ़े व्यक्ति के साथ इसलिए कर देता है कि लालच में उसको पैसा भी नहीं था उसके पास। तो एक अच्छे, मतलब उस उन्होंने बहुत ही अच्छी हम लोगों के लिए भी एक सीख दी कि एक आम जीवन पे जब हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा लंबा चलता है और वो चल भी रहा है। राजा महाराजाओं की कहानियाँ होती हैं पुरानी होती हैं तो वो भी याद की जाती है, लेकिन ये चीज़ें लंबी चलती हैं और हमें उनसे सीखने को भी काफ़ी मिलता है। चलिए, और हम सीख भी रहे। चलिए, और बाकी अगर हम कवियों की बात करें, कुछ शायरों की बात करें, तो राहत इंदौरी जी की कविताएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और हरिओम पवार जी बहुत ही अच्छा देशभक्ति की अगर बात करते हैं तो उनसे अच्छा मेरे ख्याल से कभी कम है। कुमार विश्वास जी तो हैं ही हम लोगों के आदर्श, तो काफ़ी सारे कवि अच्छा कर रहे हैं और हम लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि ऐसे माहौल में हम हैं जहाँ पर अभी कविताओं की अभी बनी हुई है। अच्छा। मार्केट बनी हुई है। ठीक है जी, जी। बहुत बढ़िया। तो अब थोड़ा सा हम उन लोगों के लिए यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो जिनके मन में इच्छा तो है कि मुझे कुछ लिखना है या मुझे जो अपने भाव हैं उनको मैंने शब्दों में पिरोना है, और आपने बहुत सारी जो बुक्स हैं वो लिखी हैं, आपको बहुत सारे जो कवि सम्मेलन में जो पुरस्कार मिल पाया है, तो अब थोड़ा सा उन जो नए आपके जो हैं जिनके अंदर वो कवि जो है पनप रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो मैं हमेशा कहता ही रहता हूँ, एक जो आम व्यक्ति होता है और एक जो कवि व्यक्ति होता है या साहित्यकार व्यक्ति होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस कवि के अंदर एक विश्लेषण क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अब जैसे एक व्यक्ति है, अभी मैं इसी रोड से आया हूँ, ठीक है,
इस रोड पर एक व्यक्ति आया, उसने जो अपने गड्ढे वड्ढे देखे, उसने सरकार से कहा कि अरे ये सरकार ने बिल्कुल खराब कर रखा है, बहुत ही रोड खराब है, उसने कह के निकल गया। लेकिन जब एक कवि इस रोड से गुजरेगा तो वो गड्ढे देखेगा। अच्छा, है ना। उन्होंने कहा कि ये गुरुजी उत्तराखंड जी का ऑफिस कहाँ पे है, उन्होंने कि रास्ते में 10 गड्ढे पड़े हैं, 10 गड्ढे के बाद जो है अच्छा इनका ऑफिस है। तो ये एक हास्य की बात है। तो लेकिन जब उस व्यक्ति को दूसरा कोई सुनेगा तो उसका दिमाग एकदम खुल जाएगा, बोले कि अरे वाह ये बात इन्होंने अच्छी कही। हाँ, हाँ। है ना। तो वो गड्ढों की ऐसे व्याख्या करेगा कि वो सुनने वाले को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और सोचने पे भी मजबूर करेगा। अगर आप नेता से डायरेक्ट आप जो है राशन पानी लेकर आप चढ़ जाएं उस पर, हाँ, कि अरे तुमने तो ऐसा कर दिया है, बिल्कुल तुम्हें वोट दिया है ये वो। लेकिन अगर एक कवि जो है एक हास्य के माध्यम से, एक दुख के माध्यम से, करुण के माध्यम से अगर उस बात को लगता है रखता है किसी नेता के सामने, तो उस नेता को भी लगेगा कि यार वाकई में लोगों को परेशानी हो रही है और हमें जो है इसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एक कवि का उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो श्रृंगार रस में लिखे, चाहे वो हास्य रस में लिखे, चाहे वो करुण रस में लिखे, तो उसकी विश्लेषण क्षमता ज़्यादा होना चाहिए। अब सुबह सुबह आप उठ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक ऑफिस वाला ऑफिस जा रहा है, जो महिलाएं हैं वो अपने काम पे जा रही हैं, दूध दूहने वाला दूध दूह के अपने डेयरी की ओर जा रहा है, तो आप उसको विश्लेषित करते हैं और फिर जो है आप अपने उसका चित्रण बनाते हुए आप उसमें लिखते हैं। और उसके लिए बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं जो है लिखूंगा तो 50 व्यूज आ जाएंगे, अच्छा, हजारों व्यूज आ जाएंगे, 1,00,000 मुझे मिल जाएगा। ये अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिया फिर आप जो है उतना अच्छा नहीं लिखते। अच्छा। प्रेमचंद जी ने कभी ये सोचा नहीं कि मैं जो है साहित्यकार बन जाऊंगा, फिर मैं फ्लाइट से बुलाया जाऊंगा। उनके मन में जो था, उन्होंने जो दिल से था वो लिख दिया और वो हमेशा फटे जूते ही पहन गए। लेकिन उन्होंने समाज को दिया, हाँ, वो कोई नहीं दे सकता, इसीलिए वो आज याद किए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, हाँ, लेकिन उन्होंने जो कमाया वो बहुत पैसे वाले भी नहीं कमा पाते। चलिए, तो ये आपको सोचना है और हमें समाज के बारे में कितना दे सकते हैं ये ज़्यादा सोचना है। बिल्कुल। मुझे लगता है शायद आपने मेरे अगले क्वेश्चन का जो आंसर दे दिया कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि बहुत से लोग जो कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं, एक या दो लिखते हैं उसके बाद वो छोड़ देते हैं, शायद यही होगा कि उनको लाइक्स ही नहीं मिले। ठीक है, भाई लाइक्स नहीं मिल रहे तो क्यों मैं दूसरे को सुनाऊं, क्यों मैं लिखूं, शायद यही कारण होगा या कुछ और भी आप कारण बताना चाहते हैं कि लोग लिखते तो हैं, एक दो चीज़ें उनने लिख दी है, कुछ ने कविताएं लिख दी, किसी ने अपना संस्मरण है वो लिख दिया, लेकिन उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने तो इतनी बुक्स लिखी है, अगर हम पेज देखें तो यहाँ पे लगभग 500 पेज के करीब आपने लिखे हुए हैं। अब 500 पेज लिखने के पीछे आपने कितनी रातें जो हैं वो लिखी होंगी, कितनी मेहनत आपने करी हुई होगी, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो इतना शायद मेरे ख्याल से धैर्य नहीं रख पाती है, आप क्या कारण देखते हैं? सबसे बड़ी बात जो आपने कहा वो वाकई में सही कहा कि लोगों में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। तो उसका रीज़न ये भी है कि जो जल्दी आते हैं, जल्दी से आए और जल्दी से भागे, तो उसका रीज़न यही है सबसे ज़्यादा कि वो पहले से सोच के आते हैं कि मैं लिखूंगा और फेमस हो जाऊंगा। हाँ, है ना। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार बताते रहते हैं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आपको मेहनत जो करनी चाहिए करनी ही पड़ेगी। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण चाणक्य हैं हमारे सामने, जिन्होंने भी चाणक्य को पढ़ा है और उनको समझा है। तो एक छोटी सी घटना है मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त को छोटे से ही उन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो धनानंद का जो साम्राज्य था तो उनका ध्वस्त करना उनका मेन उद्देश्य था। तो उसके लिए उन्होंने योजना बनाई कि जो उनके पास धन है, क्योंकि धन की आवश्यकता थी उनको, तो जो धन है उसको हम चुरा लेंगे, ठीक है, मतलब उस पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद में जब हमारे पास धन आ जाएगा तो हम सेना इन्हें इकट्ठी करके उस पर हमला करेंगे और वो कर लेंगे। तो अब आजकल के ज़माने की तरह तो ये है नहीं कि बैंकें थी बहुत सारी, तो लोग राजा लोग भी अपना सोना छुपा के रखते थे। हाँ। तो धनानंद ने अपना जो सोना था वो काफ़ी अंदर नदी के अंदर छुपा के रखा था। और धनानंद बलवान भी था और उसको कई सारी कलाएँ आती थी, तो वो लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकता था, तभी वो नदी के अंदर जा सकता था। तो चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त को ट्रेंड किया कि जो है तुम लंबे समय तक अपनी सांस रोक के पानी में रहो। तो वो काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, आधे आधे दिन तक वो अपनी सांस रोक के उसने अपनी प्रैक्टिस की। धनानंद को ये पता चल चुका था कि ऐसी ऐसी योजना बनी थी
तो वो दो दिन पहले जाके वो सारा सोना अपना निकाल के दूसरी जगह उसने शिफ्ट कर दिया। ये जब पहुँचे, पूरी मेहनत की इन्होंने इतनी सारी, फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ सोना ही नहीं मिला। तो चाणक्य ने यही कहा, अब वो हताश हो गया कि बताओ हमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी और वो हमें सोना भी नहीं मिल पाया। तब उन्होंने जो है कहा कि ऐसा नहीं, प्रयास करना हमारा फर्ज था, और उन्होंने प्रयास किया। फिर जहाँ उसने दूसरी जगह छुपा रखा था, फिर इन्होंने उसको उन्होंने प्राप्त किया और आगे जो है सभी को पता है, उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और वो सबके लिए उदाहरण भी है। तो यही गलती जो है आजकल के युवा कर रहे हैं, वो आते हैं देखते हैं कि जो है मेरा जो है किसी ने पसंद नहीं किया है, तो वो जनता को ही मूर्ख मानते हैं कि ये जनता ही मूर्ख है और मेरा सही था। तो वो ये प्रयास ही नहीं करते हैं कि जो है हमें समझना चाहिए कि जनता को क्या चाहिए, या हमारी लेखन में कहाँ कमी हो रही है, हम उसको दूर करें और फिर उसको आगे बढ़ें। अब कई बार ऐसा होता है, मैंने कई कवियों को देखा है, वो हास्य में बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास हास्य में ही कर रहे हैं। क्या पता वो करुण में ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है, उस श्रृंगार में हो सकता है ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं। और मैं हूँ, मैं जो है कभी श्रृंगार रस की तरफ नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कभी श्रृंगार रस नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, तो मैं हमेशा हास्य में ही प्रयास करता हूँ, और हास्य में आप लोगों की मेहरबानी से अच्छा नाम हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब थोड़ा सा हम आपके जो है पेशे से बात करते हैं, आप जैसे पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप खुद पत्रकार हैं, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा जो हिंदी का जो पत्रकार है, मतलब हिंदी का जो दर्शक है या हिंदी का जो श्रोता है, पाठक है, जो उसको पढ़ने वाला है, क्या उनकी संख्या घटी है, आपको क्या लगता है? अगर हम बेसिकली पत्रकार मतलब अखबार की बात करें, तो अखबार में मैंने देखा है कि इस वक्त पत्रकारों की जो है संख्या तो बढ़ी है, लेकिन जो है पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। उसका रीज़न ये रहा है कि अब जो मीडिया है वो दूसरे माध्यमों में, डिजिटल फॉर्म, मतलब डिजिटल फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, और लोग पसंद भी उसको ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक अखबार का अपना रूटीन है कि दिन भर जो है पत्रकार खबर कलेक्ट करते हैं, शाम को वो लिखते हैं, और सुबह आपको न्यूज़ आ पाती है। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आई है, तब से घटना घटित हुई, व्यक्ति ने तुरंत लिखा और सभी के पास व्हाट्सएप से भेज दिया, और उसको वो चीज़ मिल जाती है, तो उसको सुबह तक का भी नहीं इंतज़ार करना है, शाम तक का भी इंतज़ार नहीं करना, उसको तुरंत मिल जाती है। और जब से ये YouTube चैनल चले हैं, तो वो और ज़्यादा अपना दृश्य माध्यम से भी व्यक्ति देख लेता है, तो संख्या तो घटी है, पढ़ने वालों की संख्या घटी है। लेकिन फिर भी अभी जो एक अखबार की मैं समझता था, जो पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं, जो खासतौर से तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए अभी भी अखबार एक अच्छा माध्यम है। और मैं देख रहा हूँ कि बुद्धिजीवी वर्ग अभी भी अखबार पर कायम है। अच्छा, क्योंकि जो अखबार में होता है वो जल्दबाजी का काम नहीं होता है। हाँ। वो कोई भी न्यूज़ होती है तो उस पर पूरा गहन चिंतन करके और पूरा उसका जो भी मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल है, पूरा इकट्ठा किया जाता है और उसको पॉलिश किया जाता है, फिर वो निकल के आता है, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। हाँ, हाँ। लेकिन जब वो उस व्यक्ति पढ़ता है, सामने वाला पाठक जब पढ़ता है, तो उसको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलती है। एक सोशल मीडिया में बस आ गया कि एक मर्डर हुआ, पति ने पत्नी को मार दिया, लेकिन जब उससे जो जिसने अखबार पढ़ा है वो अगर उससे पूछा जाएगा तो वो पूरी डिटेल बताएगा। अच्छा, कि वो कहाँ पैदा हुआ था, कब शादी हुई थी उसकी, और क्या क्या दिक्कतें थी जब उसने उसको मारा, क्योंकि उसमें साइड स्टोरी भी होगी, उसमें जो है कंटेंट भी ज़्यादा होगा और पूरी घटना रिसर्च होगी। हाँ, पूरी रिसर्च होगी, तो इसलिए अखबार को अभी भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी खुद की भी वेबसाइट्स हैं, खुद ब्लॉग्स भी आपके हैं, तो क्या आप इसमें अंतर मानते हैं, जो एक आपका जो है हमारे पास हार्ड कॉपी अखबार आता है या हार्ड कॉपी मैगजीन आती है, लेकिन वहीं पर जो है हमारे लिए एक वेबसाइट है, बहुत आसान है, तो उसमें थोड़ा सा आपके क्या विचार हैं? सबसे बात जो मैं मानता हूँ कि एक किताब की जो एक भूमिका है जीवन में, और एक मोबाइल की जो भूमिका है, तो वो दोनों मैं समझता हूँ अलग अलग है। आप एक किताब को पढ़ते हैं तो आपकी आंखों को भी सुकून मिलता है, अच्छा, ठीक है, और एक जिज्ञासा भी रहती है कि हाँ आगे क्या है, आगे क्या है। अब मोबाइल में आप देख रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए जानकारी आपको मिलने के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत देर आप कैरी करके किताबें नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल हमेशा आपके साथ में रहता है, तो वो एक आसान तरीका है, वो भी ठीक है। लेकिन एक किताब, जैसे हम भी ने थे
हम लोग खाना खाते खाते एक किताब पढ़ रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ। और वो चीज़ मुझे आज तक याद है। मोबाइल पे हम देखते हैं फिर भूल भी जाते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हम देखते हैं तो एक हमारा जो है उसका चित्र भी सामने आ जाता है। जैसे आप कपूत की बात कर रहे हैं, कपूत जब मैंने लिखा था तो काफ़ी सारे लोगों ने उस दौरान किताब को पढ़ा और उसका रिप्लाई भी दिया, तो उससे मुझे भी लगा कि हाँ लोगों तक बात पहुँची है। क्योंकि मैंने हमेशा लेखकों से भी कहा है और मैं खुद भी उसको फॉलो करना चाहता हूँ, करता भी हूँ, कि जब आप कोई किताब लिख रहे हैं तो आप ये सोच कर मत लिखिए कि ये किताब बिकेगी नहीं बिकेगी, है ना। हमारे जो गुरु रहे हैं उन्होंने हमेशा मुझसे कहा है कि हम लोग भी इसी दौर से गुजरे जब किताबों का पढ़ना कम हो गया, तो उन्होंने साफ साफ हमसे कहा था कि आपका जो फ़र्ज है वो किताब लिखना है और पाठक का फ़र्ज है किताब पढ़ना, और अगर पाठक किताब नहीं पढ़ता है तो वो अपना नुकसान करता है, आपका नुकसान नहीं करता है। आपने तो लिख दिया, आपने आपने जो है जो भी भाव थे, आपने देखा, जो भी विश्लेषण किया, जो भी आपने जानकारी इकट्ठी की, आपने वो जानकारी पहुंचाने के लिए किताब में लिख दिया। अब वो जानकारी किताब में उपलब्ध है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उस जानकारी को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हो सकता है व्यंग नहीं पढ़ना चाहता है व्यक्ति, इतिहास पढ़ना चाहता है, हो सकता है इतिहास नहीं पढ़ना चाहता है कि आजकल का जो समाज है उसके बारे में पढ़ना चाहता है। तो आपको जो है ये नहीं सोचना है कि हमारी जो है किताब नहीं बिक रही है। और इसका मुझे बड़ा अच्छा मतलब फ़ायदा भी हुआ सर की बातों का, कि मैंने जितनी भी 4-5 किताबें लिखी उसमें सभी को जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्धि मिली। अच्छा, पहली किताब आपके सामने पैकेज का पपलू है, तो ये मेरा व्यंग संग्रह था। उसके बाद में दामोदर दा, ये लास्ट की है, दोराहे पर ज़िंदगी उसमें लिखी मैंने। दोराहे पर ज़िंदगी काफ़ी जो मुझे सेलेबल बनाया है, सेलेबल बनाया है, वो इसी किताब में बनाया। काफ़ी सारे लोगों ने फिर किताब खरीदी और काफ़ी पढ़ा है उसमें। लास्ट में मेरे पास 8-10 किताबें कुछ बची थी, फिर वो मैंने सीज की, मैंने कहा अब ये मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर उसके बाद में कपूर जब हमने लिखी तो कपूर को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया क्योंकि पूरी हास्य से भरी किताब थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया उसको। फिर उस पर कई नाटक भी बनाए, स्कूलों में नाटक भी बच्चों ने बनाए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो मुझे जो लगता था कि किताबें मेरी कोई पढ़ेगा नहीं, तो वो मेरी भ्रांति दूर हुई। और मैं बाकी भी लेखकों से कहना चाहता हूँ कि आप कभी ये सोच के मत लिखिए कि किताबें कोई पढ़ता नहीं है, हमने जो है हल्के फुल्के में लिख दिया। आप पूरे मन से किताब लिखिए, जरूर बिकेगी। चलिए, बहुत अच्छा यहाँ पे आपने बताया। और जैसे गीता में भी कहा है कि हमको अपने कर्म पे ध्यान देना है, फल क्या तो है वो भगवान के ऊपर रखना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपसे बात करके। आप ऐसे ही जो है सेलिब्रिटी कवि आप बनते रहें, जिस ऊँचाई पर राजकुमार विश्वास जी हैं उस ऊँचाई पर, उससे भी अधिक ऊँचाई पर आप पहुँचें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।